अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सर? फिर आर्टिकल 370 मूवी, असल में बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी जो कि आ चुकी है, मैं देखने में लेट हो गया, इस वजह से इस मूवी का रिव्यू लेट हो गया। जहाँ असल में इस मूवी का अगर रिव्यू करें, आर्टिकल 370 मूवी मैं देख चुका हूँ, मूवी कैसी है, जहाँ असल में इस मूवी का अगर रिव्यू करें तो तुम्हें पता है ये मूवी कैसी है, जिसमें फ्लेवर्स हमारे पास पॉलिटिकल थ्रिलर इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये मूवी असल में कंबाइन हो चुकी है, एक्शन है, ड्रामा है और इमोशंस वगैरह इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ असल में एक चीज़ ये है कि हमारे पास ये मूवी असल में कमज़ोर दिल के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश मूवमेंट्स हैं, हार्ट पम्पिंग मूवमेंट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं मूवी में पेट्रोटिज्म वगैरह के स्पार्क को इन्हांस कर देता है। जहाँ इस मूवी के अंदर पेट्रोटिज्म जो है अलग तरीके से स्पार्क हो रहा है, तो थ्रू आउट द मूवी वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है, या एक तरीके से जैसे वो मूवी के टोन के साथ मैच कर जाता है, जिस वजह से तुम्हें वो चीज़ पसंद आनी शुरू हो जाती है। जहाँ एक बात और की जाए, हमारे पास मूवी करेक्टली पेस में चल रही होती है और ऑडियंस को एंगेज करके रखती है, जो कि इस मूवी की एक पॉजिटिव बात हो गई। जहाँ एक बात और बताएं, इस मूवी के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि तुम्हारे में हिला के रख देते हैं, जैसे कि पुलवामा वाला जो अटैक था उसका स्पॉट ऑन मूवमेंट्स हैं, वो चीज़ कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट कर जाती है, तो वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था कि हाँ यार क्या चीज़ कैसे हमें शोकेस की जा रही है, तो वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जहाँ एक बात और की जाए, वो हमारे पास यमी गौतम है, यमी गौतम ने जिस तरीके से करेक्टर अपना करेक्टर प्ले किया, तो उसमें तो जिस तरीके से वो करेक्टर प्ले किया, वो मल्टीपल ओकेजन के अंदर तुम कह सकते हो उस करेक्टर के अंदर सही तरीके से डेप्थ नज़र आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी हो जाती है, हमें इमोशंस, हमें डेप्थ नज़र आ रही है उस करेक्टर के अंदर, उस सीन के अंदर, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मूवी हमारे पास जो असल में खुद को लेकर चल रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, और जो डायरेक्टर है उसने भी जो है एडजस्टमेंट्स करने में ज़्यादा कोशिश नहीं करी, उसने कहा जो चीज़ इसके साथ परफेक्ट मैच करती है उन्हीं चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की, और स्टोरी टेलिंग जो उसके साथ सेंसेशनलाइज रखने की कोशिश की है। जहाँ एक बात तो कह सकते हो, हमारे पास ये मूवी असल में शीर बिलीफ और टैलेंट वगैरह को सामने रखती है, और ये मूवी असल में एक मूवी नहीं है बल्कि एक जर्नी है, जो कि हमारे पास बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तुम ये कह सकते हो, हमारे पास ये मूवी असल में मेरे अकॉर्डिंग में अगर मैं तुम्हें बताऊँ, एक मस्ट वॉच इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेटिव मूवी है, जो कि तुम्हें देखनी चाहिए। ट्रू फैक्ट्स वगैरह के ऊपर है, पेट्रोटिज्म वगैरह को नज़र में रखा गया, जिसमें पेट्रोटिज्म है, पॉलिटिक्स है, करप्शन है, और क्या बोलते हैं सीक्रेट ऑपरेशन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हिटिंग फैक्ट्स हमारे पास इसके अंदर है, और परफॉर्मेंस जो है बहुत ही फैंटेस्टिक किस्म की। मेरे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊँ, ये मूवी एक ऐसी है जिसकी स्टोरी तुम्हें अपने इस मूवी का हर फ्रेम तुम्हें स्टिक करके रखता है, तुम एट द लास्ट मोमेंट तक तुम मूवी के अंदर बैठे रहते हो, और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जहाँ तुम बोर फील नहीं करोगे, और कोई अनवांटेड स्टफ है ही नहीं। जो था यही था, ये तो सपोज मैं कैसे लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखने चैनल को और सब्सक्राइब मुझसे पसंद मिलेगा, मैं यहाँ मिलूंगा, तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स, अल्लाह हाफिज़।